इंडियन स्पेस में खासकर की एक थ्रिलर बनाना मुश्किल है ऊपर से उसको सस्टेन करना और भी मुश्किल है ऐसे स्पेस में वेन द नाइट मैनेजर डिसाइडेड कि वो अपने शो को दो हिस्सों में बांट के दिखाएंगे एवरी वन वोज स्केप्टिकल। तो डिड दैट काइंड ऑफ गैम्बल वर्क आउट? लेट्स फाइंड आउट हाई आई एम प्रत्यक्ष एंड यूर लिसनिंग टू माई रिव्यू ऑफ द नाइट मैनेजर पार्ट टू पार्ट वन आपने नहीं देखी है तो कुछ पॉइलर्स तो यहाँ मिलेंगे बेसिकली हमें ये पता चलता है कि देर इज वन इलीगल आर्म्स डीलर प्लेड बाय अनिल कपूर जिसका नाम है शैलेंद्र रूमटा और उसको सब लोग प्यार से शैली बुलाते हैं अब इसका जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है उसमें देर इज एन इन्फिल्ट्रेशन गोइंग ऑन जो करता है शान प्लेड बाय आदित्य रॉय कपूर शान पहले एक सोल्जर था और उसको ऑब्वियसली उसके फ्लैशबैक्स आते हैं एंड ही ऑब्वियसली डज नॉट थिंक दैट वॉर इज

पार्ट वन का जो पेसिंग था उसपी डी स्लो क्योंकि हम देख रहे थे कि लिपिका इज काइंड ऑफ ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये सब प्लान होने कैसे वाला है शान इज प्लेइंग इन टू हर एंटायर प्लान कि वो अभी शैली की जो फैमिली है उसमें घुसेगा कैसे हाउ विल ही काइंड ऑफ गेन हिज ट्रस्ट पार्ट टू का जो पेस है इज मच फास्टर क्योंकि अब सब कुछ ऐसे कलमिनेट होने वाला है उसने सब इन्फिल्ट्रेशन कर लिया वे ना गो इन टू फाइंड आउट कि शैली सक्सेसफुल होगा या लिपिका सक्सेसफुल होगी बिकॉज दिस एंटायर शो टेक्निकली इज बिटवीन दो माइंड रन आउट राइट What I love is तिलोत्तमा शो में एज एन एक्टर इज ऑनेस्टली आई थिंक सम ऑफ द बेस्ट वी हैव राइट नाउ और वो दिखता है स्क्रीन में स्पेशली सिंस उनका ओपोनेंट इज प्लेड बाय अनिल कपूर इन दोनों का ही शो है बेसिकली देर सच ग्रेट एक्टर्स बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मर्स अनिल कपूर हैज दिस काइंड ऑफ करिज्मा अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है शैली रुंगटा इफ यू लुक्स इट मी इन सेज की माई स्टार यू माई मेन लीड

फर्स्ट हाफ में मेरी एक कंप्लेन ये थी कि हमें शोभिता धूलीपाला का बिल्कुल स्किल दिखता ही नहीं है इन सेकेंड हाफ दैट डस चेंज थोड़ा सा कावेरी के कैरेक्टर में हमें उसके सीक्रेट्स पता चलते हैं शी गेट्स मोर टू डू शी गेट्स मोर इन्वॉल्व इन वन ऑफ द प्लान ऑल ऑफ दिस गोज ऑन एंड ये सब देख के इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ फन कज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम हर ऑल्सो एंड इट्स नाइस टू सी हर डू मोर रिग्रेटेबली कावेरी के कैरेक्टर को ज्यादा फ्लैश आउट नहीं किया है शी जज बिन गिवन मोर स्क्रीन टाइम एंड दैट्स जस्ट नाइस यू नो द एक्टर इज अ ग्रेट परफॉर्मर

ही इज़ ग्रेट मतलब जिन सीन्स में उनको सीरियस बनना है ही काइंड ऑफ मैनेजेस टू डू दैट दर आर दी सीन्स वेर ही जस्ट हैज टू इमोट बाई लुकिंग एट समन इन फ्रंट ऑफ हिम एंड दैट वर्क्स जैसे जब शैली बात कर रहा है हाउ ही मच ही लव्ज वॉर एंड हाउ इट्स इज बैटल फील्ड यू सी हाउ कन्फ्लिक्टेड शान इज क्योंकि ही इज़ ऑन अ मिशन नैचुरली बर ऑल्सो इट्स इट्स अ डिफिकल्ट थिंग फॉर हिम टू टॉक अबाउट पर वो शैली को तो नहीं बोल सकता बट यू कैन स्टिल सी इट इन आईज गुमराह देखने के बाद आई एम सो ग्लैड कि हमारे दित् रॉय कपूर जी हमारे पास वापस आ गए इट इज सो एक्साइटिंग टू सी हिम इन दिस थ्रिलर बैक अगेन एज जेनुअनली एज गुड ऑफ अ परफॉर्मर एज ही इज वन थिंग दैट इज सो गुड इज शान एंड कावेरीमिस्ट्री इज अमेजिंग ऑन स्क्रीन इट इज सो गुड टू सी और बहुत बुरा लगा कि वी डेंट एक्सप्लोर दैट है आर्म्स डी वगैरह इज यूर मेन फोकस बट

And to kind of have that transferred into the roles that we see on screen is very, very refreshing. The camera work as always in the night manager is as stunning as it was before. Ismail Bohatsari different terrains we explore terrains in the second part. we see these huge deserts, we see essay cramped spaces are being shot. we see these lavish hotels. Yes sub has been shot exactly the way these settings need to be shot and that is worthy of note. अगर मुझे किसी चीज से प्रॉब्लम है वुड आई थिंक बी द इनकंसिस्टेंसी इन द डायलॉग सम डायलॉग्स आर रिटन सो वेल एंड सम काइंड ऑफ जस्ट फॉल फ्लैट यू नो और वो एंड इट्स जारिंग स्पेशली बिकॉज वो एक दूसरे से ही क्लैश कर रहे हैं दैट आई थिंक इज द ओनली एस्पेक्ट दैट आई वुड इम्प्रूव ऑन अ लिटिल बिट क्लियरली डायलॉग्स कैन भी रिटन प्रिटी वेल बाय द डायलॉग टीम बट दे वॉज जस्ट बस वो इनकंसिस्टेंसी काइंड ऑफ फील्स अ लिटिल जारिंग Some of the things in The Night Manager Part 2 are pretty predictable, if you've seen thrillers a lot, there are some threads that are just kind of left loose, I think because it wasn't in service to the show as such, but what's up a chukta when you're watching. As a thriller, a very good offering, a very good offering in the Indian space also, I'm sure there are much better thrillers to watch, but a pretty good show to have just even in that middle ground. For all the performances, especially and the brilliant camera working, just being able to bring the show to India so brilliantly well, my rating for The Night Manager Part 2 is 3 stars out of 5.